कामनाएं। रुको, मैं और आगू जान तुम्हारे लिए मर गए हैं। मरे मेरे दुश्मन? आगू जान मुझे बात करने दीजिए। I'm sorry पाशा साहब। सिर्फ सॉरी? घर से भागते हुए एक लम्हे के लिए भी हमारा ख्याल नहीं आया? भागी तो नहीं थी मैं, खाला की तरफ जा रही थी। आप जबरदस्ती मंगनी कर रहे थे तो इनकार कर देती। आपने कौन सा मान जाना था? तो इसका मतलब था कि तुम हमारी इज्जत दांव पे लगा दो। जानती हो कि इस इज्जत को कमाने के लिए कितने बरस लगे मुझे? इज्जत के कमाने के साथ साथ थोड़े पैसे भी कमा लेते तुम तो। किस चीज की कमी है तुम्हें? यही कोई 2-3 करोड़ की। आगुजान, इसे समझाएं किस चीज की कमी है। हकलाल का रिस्क मिल रहा है, सबर शुक्र अदा करें। आगुजान आप भी बताएं इन्हें कि मुझे साबरा शाकरा नहीं बनना है, मुझे अपना बिजनेस सेट करना है। आप भी समझाएं ना इन्हें। अब ये साबरा शाकरा कौन है? और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें साबरा या शाकरा जैसी बनने की। मुझे तुम आज अपना मसला बताओ। आप डांटेंगे तो नहीं? नहीं। पाशा साहब देखे ना, हमारे साथ के लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। हामिद अंकल अमेरिका शिफ्ट हो गए, नसरीन आंटी ने डिफेंस में घर ले लिया है, और हामिद मामू उन्होंने अपना शोरूम खोल लिया है, और आपने सारी जिंदगी एक दयानतदार ईमानदार ऑफिसर बनकर गुजार दी। जानता हूं खयाम ने धोखे से शोरूम पे कब्जा किया और वो हामिद। मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या और कैसे किया है। मैं बस ये जानती हूँ कि जब वो लोग हर दफा वेकेशंस पर आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान बना रहे होते हैं तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि कल यूनिवर्सिटी पे मेरे पास नया जोड़ा पहनने के लिए होगा भी या नहीं। अच्छा तो मसला जोड़े का है, कितने जोड़े चाहिए तुम्हें? बाबा मसला जोड़े का नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। प्लीज मुझे वो सब कुछ करने दे जो मैं करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस आपको रिग्रेट नहीं होगा। ना फरमान उलाद। अस्सलाम वालेकुम। चाय? वो भी बिना कहे? वाह उम्मीद, यहाँ तो सबकी आंखें सर पर चढ़ी हुई हैं। सड़े हुए क्यों हैं सारे? सभी क्या कर दिया मैंने?